आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ये कुछ 15-20 मिनट का एक टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईथर कैसे बनता है, क्या रिएजेंट है इसके लिए, और ईथर किस कंडीशन में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सो द टॉपिक इज यू नो डिहाइड्रेशन ऑफ, दिस इज लाइक सिमिलर टू द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बट जब आप डिहाइड्रेशन करते हो और ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करते हो तब आपको एल्कीन मिलता है, लेकिन अगर आप कम टेम्परेचर मेंटेन करते हो तब आपको एल्कीन न मिल करके ईथर मिलता है। तो देखते हैं ये क्या है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइट? एंड लाइक आई से कि ईथर बनाने के लिए जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है कि अगर आप यू नो इस तरीके से अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो, तो अल्कोहल को रिएक्ट करवाने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि आप H2SO4, ठीक है, या H3PO4 ले सकते हो, और टेम्परेचर आपको लेना है थोड़ा सा ज़्यादा, 443 केल्विन के आसपास। तब क्या होगा, अल्कोहल यू नो डिहाइड्रेट हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन के बाद, ही बन जाएगा एल्कीन, दिस बिकम एल्कीन। लेकिन इसी में अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा लो करते हो, आप यही प्रोटिक एसिड लोगे लेकिन टेम्परेचर आप थोड़ा सा कम कर लो, याद नहीं आ रहा बट शायद ये 413 केल्विन है और समथिंग, और मे बी 30, तो आप देख लेना ये एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर कम लेते हो तब क्या होगा, ये बेसिकली ईथर में कन्वर्ट होगा, दिस विल कन्वर्ट इन टू ROR। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है, इसको करने से पहले मैं थोड़ा स्टेटमेंट के टर्म में आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ऐसे करते हैं आपके माइंड से कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, इसको हम R को ना कार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो शायद ये ज़्यादा आसान रहेगा कि ये एक एल्कीन बन रहा है और ये एक यू नो ईथर बन रहा है, COC बन रहा है। चलो अब इसको स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं कि ये क्या है। व्हेन व्हेन अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, अल्कोहल अंडरगो रिएक्शन विद प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2SO4 एंड अंडर हाई टेम्परेचर इट डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म एल्कीन, बट इफ द टेम्परेचर इज केप्ट लो, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूस ईथर। तो जैसे मैंने ऊपर इस प्रोसेस को यू नो समझाया, उसी को एग्जैक्टली मैंने यू नो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है कि अगर अल्कोहल को आप एक प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हो तो वो डिहाइड्रेशन करेगा, यानी एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर आप इसको लोअर टेम्परेचर पे इसी प्रोसेस को करते हो तो एलिमिनेशन नहीं होगा, तब सब्स्टिट्यूशन होगा, और उस सब्स्टिट्यूशन से बनेगा ईथर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन रिएक्शन। अब मैं बात करता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है।
अब चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेप वन यू नो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। अब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल एक बहुत ही कॉमन सा टर्म हो गया है, मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया। प्रोटोनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का ऐड करना। अब वो हाइड्रोजन आयन आएगा कहाँ से, तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो हाइड्रोजन आयन जो एसिड हमने यूज किया था सल्फ्यूरिक एसिड या H3PO4, उसमें से आएगा। तो एक अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने ले लिया इथेनॉल, हमने इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल को रिएक्ट करवा रहे हैं यू नो एक प्रोटॉन के साथ। ये प्रोटॉन एक्चुअली एसिड से आया है, तो अच्छी तरह से याद होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और तब ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तब ये बन जाएगा क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और एक लोन पेयर, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया बिकॉज इसने अपने ही इलेक्ट्रॉन को देकर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल करवाया, यानी एच प्लस को ऐड कर दिया। स्टेप टू में जाते हैं और तब देखते हैं कि ये क्या होता है। सो स्टेप टू में क्या होता है, आपको इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को एक दूसरे यू नो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से, अल्कोहल से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल आप कोई भी ले सकते हो, आप मैं इथेनॉल से शुरू कर रखा हूँ, आप प्रोपेनॉल ले लो, आप ब्यूटेनॉल जो लेना है ले सकते हो, मैकेनिज्म उसी तरीके से होगा। फिलहाल मैं इथेनॉल को लेके इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को एक बार फिर से इथेनॉल के साथ रिएक्ट। अब हमें ये करना है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल को अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट करना है। तो चलो हम एक बार पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल ले लेते हैं। ये है हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और साथ में हमें एक लेना है इथेनॉल मॉलिक्यूल, साथ में एक इथेनॉल मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें क्या करना है आपको कि ये जो ऑक्सीजन है विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन में है, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज होगा जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन की ओर, तो ये एक मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकलेगा जो कि है H2O, एक बाई प्रोडक्ट बाहर आया और ये एक कार्बोकेटायन बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास, एक कार्बोकेटायन, याद रखना है ये एक पॉजिटिव आयन बनकर बाहर निकलेगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो यहाँ पर मौजूद दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से किसी एक के साथ जाकर के वो बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान से देखना मैं दूसरे वाले में क्या कर रहा हूँ, मैं पहले वो लिख देता हूँ, ठीक है, कार्बोकेटाइन, ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन हमने ये वाले हाइड्रोजन को नीचे कर दे रहा हूँ और बाकी कार्बन को एज इट इज उसकी जगह पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक यू नो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर। अब इसमें देखो ये ईथर बन गया है, इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है प्रोटोनेटेड, इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड ईथर। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे और थर्ड स्टेप में इस एक्स्ट्रा प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के लिए मैं यहाँ पे स्टेप 3 दे रहा हूँ। स्टेप 3 क्या टॉपिक होगा, डी प्रोटोनेशन, ठीक है, डी प्रोटोनेशन। किसका डी प्रोटोनेशन कर रहे हैं, प्रोटोनेटेड ईथर का, ऑलरेडी ईथर बन गया है, बस यहाँ पे एक H+ एक्स्ट्रा है,
यहाँ पे सिर्फ एक एच और एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो उसको हटाना है, यानी प्रोटॉन को हटाना है। तो प्रोटॉन को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगेन यू नो ये जो वाटर है यही इस प्रोटॉन को हटाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो इसके पास ऑलरेडी पता है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर है एज ए लोन पेयर, तो ये प्रोटॉन अब यहाँ से रिमूव करते हैं। तो देखते हैं क्या है, हम यहाँ पर इस प्रोटोनेटेड ईथर को लेते हैं, प्रोटोनेटेड ईथर। ये है हमारा प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब करना क्या है डीप्रोटोनेशन के लिए, ये वाला जो है यू नो, या ऐसे कर सकते हैं कि ये आप इस बॉन्ड को क्लीवेज करो, जब इस बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन की ओर, तो ये ऑक्सीजन तो हो गया न्यूट्रल, ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और अभी के इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास ईथर। तो हमने फाइनली क्या बना लिया, सी सी ओ सी और सी। सो व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी इथेन। अगर आपको याद हो तो हमने नेमिंग सिखाया था इथॉक्सी इथेन, इसका कॉमन नाम होगा डाई इथाइल ईथर। आई डोंट नो ये फ्रेम में आएगा या नहीं, डाई इथाइल ईथर ये जो नाम है इसका कॉमन नाम है, और ये इसका नाम है IUPAC। ये वाला क्या है, ये वाला है IUPAC ने, ठीक है, ये वी नहीं है यार, और ये है इसका कॉमन नाम। सो दिस इज हाउ नाउ व्हाट हैपेंड, एक बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये एच यू नो पॉजिटिव क्या होगा, एच पॉजिटिव इसके साथ आकर दोबारा से एसिड को रिलीज करेगा। तो आप या तो एच प्लस लिख सकते हो या आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। इससे होता क्या है कि इस रिएक्शन में जो एसिड हमने यूज किया था वो एसिड दोबारा से रिलीज हो गया। तो लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो चलो उस पर एक टॉपिक दे करके करते हैं, लिमिटेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं दो पॉइंट्स में आपको क्लियर बताता हूँ। फर्स्ट ये है कि अल्कोहल और अल्काइल ग्रुप शुड बी प्राइमरी, अल्काइल ग्रुप शुड बी प्राइमरी, प्राइमरी एंड अनहिंडर्ड, यानी वो प्राइमरी की बात कर रहा है, अन एंड अनहिंडर्ड, ठीक है। दूसरी बात कि टेम्परेचर को हमें यू नो सिर्फ यू नो कम ही रखना होगा, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो, क्योंकि जैसे मैंने कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईथर नहीं बनेगा, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरी बात ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल लोगे, 3 डिग्री अल्कोहल अल्कोहल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू ईथर बाय दिस प्रोसेस क्योंकि दे कन्वर्ट इंटू बिकॉज एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन and they always produce and 2 degree and 3 degree alcohol convert to alkene। तो ये है इसकी कुछ लिमिटेशन इस प्रोसेस का, पहला कि आप सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही ले सकते हो ताकि प्राइमरी अल्काइल ग्रुप मिले, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा, दूसरा टेम्परेचर को कम रखना है, और तीसरा अगर इस रिएक्शन में अल्कोहल आप सेकेंडरी और टर्शियरी लोगे तो हमेशा ही एल्कीन बनेगा,
ईथर इस प्रोसेस से नहीं बनेगा, तो हम आगे देखेंगे कि और कौन से प्रोसेस है ईथर बनाने के, अगली वीडियो में बात करूंगा। तो जब भी आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज करोगे ईथर बनाने के लिए, तो वो ईथर नहीं बनेगा, वो बन जाएगा क्या, एल्कीन बनेगा। ये ध्यान रखना है कि सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू एल्कीन। तो ये सारी बातें थी ईथर के बेसिक प्रिपरेशन में, इसका मैकेनिज्म क्या था, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है। मैंने कोशिश किया सब कुछ बताने का। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 337 पे, जिसके यू नो लाइक टू थर्ड पार्ट पे ये सारी बातें बताई गई है। आप उसको पढ़ो और देखो, समझो और फिर मुझे रिस्पॉन्स दो कि एग्जैक्टली दैट्स अप टू यू, यू नो आई कांट फोर्स यू टू यू नो रिस्पॉन्ड मी, बट इन केस यू लाइक देर इज़ अ जेन्यून रीजन टू यू नो रिस्पॉन्ड मी यू नो वेरी पॉजिटिवली आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। So I would say thanks for, you know, being here. In case you sustained it for all the, you know, minutes I spent, you know, while making all that. And for your positive and your negative comment, they both are, you know, welcome. I always welcome. So I would say don't forget. And one more thing I want to tell you, that there are so many students of mine, those who know me directly, they do watch my video, but they hesitate, you know, they hesitate commenting, because they know that they going to be, you know, identified by me. They have a bit of, you know, complex in their mind. I don't want you to be, you know, I don't want you to be in that complex. You always being very nice to me. The only thing is that there may be, you know, a bit of misunderstanding. Anyway, thanks for watching. Stay tuned for next video, which I'll make it tomorrow, right? That's it. Good day.